हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड करंटली क्या हैं उनकी फीलिंग्स, आप लोगों के लिए क्या हैं उनके करंट इमोशंस एंड प्लस उनका नेक्स्ट मूव। सो गाइज, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पर फोकस करिए, जो भी आपके माइंड में है पर्सन, चाहे आपका उनके साथ कॉन्टैक्ट है, लीज कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन, इट कुड बी एनी थिंग और एनी पर्सन, जो भी आपके माइंड में है, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपकी कोई वाइफ हैं, आपके कोई लवर हैं, आपके कोई फियोंसी हैं, 3 times आपने उनका नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज को उनके साथ अलाइन करना है, ताकि रीडिंग्स जो है वो आपसे एक्सचेंज हो सकें, लाइक मस्ट करना है आपने। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। फर्स्ट वी हैव 41, इट्स अ बिलोंगिंग, ओके, हाउस ऑफ नाइट्स। 41 इनकी एज हो सकती है, अदरवाइज नंबर 5 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बिलोंगिंग की एनर्जी दिख रही है। आई थिंक आप में से कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। ऑलरेडी आप इनके साथ मैरिड हो, आपका घर बन चुका हुआ है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व, यस, और ये किसी ना किसी तरह से आपके साथ काफ़ी ज़्यादा, उनको लगता है कि आपसे ये पर्सन बिलोंग करते हैं, चाहे आपसे दूर हैं, चाहे वो आपके साथ बातचीत नहीं भी हो रही, तो स्टिल उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड हैं। स्पेशली ऐसे दिख रहा है जैसे नाइट टाइम में, या फिर जैसे ही वो अपने किसी वर्क से फ्री होते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ, तो नाइट टाइम में उनको आपसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनको महसूस होता है, और उनको लगता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा बिलोंग करते हैं स्ट्रॉन्गली। यहाँ पे उनकी काफ़ी एनर्जी मुझे दिख रही है आपसे कनेक्टेड। उनको लगता है जैसे आपके बिना उनका घर जो है वो खाली है, आपसे बात किए बिना, अगर आप एक ही साथ में रहते हो तो बातचीत नहीं हो रही, तो उनको लगता है आपसे बात किए बिना उनका कुछ अच्छा जो है वो टाइम स्पेंड नहीं हो रहा, या फिर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, चाहे वो किसी भी पर्सन से आपका लवर है, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ है, स्पेशली मुझे यहाँ पर मैरिज की एनर्जी दिख रही है। अगर जो लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो उनको आपके बिना अपना जो घर है वो काफ़ी सोना सा, काफ़ी खाली सा लग रहा है। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है या फिर किसी वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हो या कॉन्टैक्ट नहीं है आपका, तो यस। एंड देन वी हैव नंबर 16, इट्स अ इनविजिबल, यस। ये आपके साथ डेफिनेटली कनेक्शन बनाना तो चाह रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही इस टाइम, हर चीज़ जो है ऐसे लग रहा है उनको दिखाई नहीं दे रही कि आपकी साइड से आप क्या फील कर रहे हो। हर चीज़ें उनको ऐसे लग रहा है जैसे कुछ विजिबिलिटी उनको दिख नहीं रही, कुछ क्लैरिटी नहीं है आपकी साइड से कि क्या आप उनके साथ स्टिल वैसा ही कनेक्शन महसूस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, जैसा ये आपके साथ महसूस कर रहे हैं। नंबर 16 एंड 7 मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि ये जो भी पर्सन है ना गाइस, ये किसी तरह से आपके बारे में ना जानना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या फील कर रहे हो, लेकिन इनको इस टाइम चीज़ें दिख नहीं रही। काफ़ी कुछ आपके दरमियान या तो अनक्लियर है या कुछ चीज़ें क्लियर होनी बाकी हैं। हो सकता है ये बहुत सारा स्टफ हो सकता है जिसकी वजह से ये इंसान को समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ये सब कुछ चीज़ों को क्लियर करें। रियली वन आर क्लटर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके दरमियान प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं या उनको जो समझ नहीं आ रही। वी हैव नंबर 8, इट्स अ विजन, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं, चाहे इस टाइम उनको चीज़ें जो हैं वो इम्पॉसिबल दिख रही हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही आप लोगों से दोबारा से कनेक्ट होने की, लेकिन स्टिल ये अपना माइंड कहीं ना कहीं आपके साथ मिलने के लिए या इस सब सिचुएशन को बेटर करने के लिए ये पर्सन बना रहे हैं, यस। और ऐसे लग रहा है बहुत जल्द ये इस चीज़ की खोज में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इनको आपसे दोबारा से आपसे रीयूनियन हो पाए, या किसी तरह से दोबारा से ये आपसे यूनियन हो पाए, तो उस चीज़ के लिए ये आपकी तरफ आने वाले हैं विद द ओथ। या इस टाइम या तो ये एनर्जी दिख रही है गाइस कि ये जो भी पर्सन है वो शायद अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि उनको दोबारा से आप लोगों से किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं करना, आपके साथ जो भी उनको दोबारा से कॉन्टैक्ट करना है वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग के लिए लेकर चलना है। अदरवाइज़ अगर आपके हस्बैंड या वाइफ जिन्होंने पास्ट में ऑब्वियसली आपसे मैरिज की थी, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली साइन होता है जब आपका मैरिज होती है, तो उसमें शायद उनको वो चीज़ें याद आ रही हैं कि जो भी उन्होंने ओथ लिया था या जिस तरह से भी उन्होंने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट आपका, जो भी मैरिज का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो उनको लग रहा है कि उन्होंने अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो अच्छे से निभाया नहीं है, जो उन्होंने ओथ लिया था, ठीक है, उस चीज़ों को पूरा नहीं कर पाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाए, आपको जो आपके राइट्स थे वो दे नहीं पाए, तो उस वजह से शायद वो आप सोच रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोगों को जो आपका राइट है, जो आपकी अपनी प्लेस है वो आपको देनी चाहिए, सो दैट्स वाई वो आपसे दोबारा से बिलोंग करना चाहते हैं।
यस 49 इनकी एज भी हो सकती है. एंड नंबर 13 एंड नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नंबर 8 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है. नंबर 7 एंड 5 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. ये मुझे अभी तक एनर्जी दिख रही है. अदरवाइज जो यहाँ पे सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, ये पर्सन भी सिंगल है, तो ऐसे लग रहा है विद द बिलोंगिंग एंड विद द ओथ ये किसी तरह से कोई ओथ लेना चाहते हैं. अगर इन्होंने आपके साथ कोई प्रोमिसज किए थे कि आपके साथ शादी करेंगे या आपके साथ आगे रिश्ता स्टेबल लेकर जाएंगे, तो मुझे लग रहा है ये इंसान इस टाइम उन चीज़ों को पूरा करने का उनको लगता है टाइम आ गया, तो वो अपनी उन कही हुई बातों को, अपने जो प्रोमिसज थे उनको पूरा करने के लिए इस टाइम ये इंसान डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं. उस चीज़ के लिए ये पर्सन अपना माइंड बना रहा है क्योंकि काफ़ी इमोशनल है, बिकॉज़ यहाँ पर हमारे पीछे मून की एनर्जी है. दैट्स वाई वो अपना माइंड बना चुके हैं उन्हें क्या करना है. चाहे इस टाइम चीज़ें अनक्लियर दिख रही हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, या फिर किस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनकन्फेस हैं, ये फाइनली उन चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं. या वी हैव लव, द रियली लव यू, या आपके साथ अपना लव कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको अपना दिल देना चाहते हैं. नंबर 10 इज़ द नंबर ऑफ कम्प्लीशन. सो ये कम्प्लीशन करना चाह रहे हैं बिकॉज इनको लग रहा है कि आपके साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनको एक कनेक्शन महसूस हो रहा है, और आगे चल के भी ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग जो है वो लव क्रिएट करना चाहते हैं. 35 इनकी आपकी एज हो सकती है. नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दिस वन इज़ एट. डबल एट काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है. नंबर 10 एंड 1 की भी काफ़ी एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग दिख रही है. तो ये इंसान जो भी है वो आपके साथ लव कनेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, और स्पेशली जो यहाँ पे अनमैरिड हैं वो लव रिलेशनशिप आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके इस कनेक्शन में इतनी पावर है, स्ट्रेंथ है, कि ये आगे जाके मैरिज में कन्वर्ट भी हो सकता है. या कुछ लोगों की तरफ से स्टार साइन लियो हो सकता है, कुछ की तरफ से लिब्रा की एनर्जी आ रही है, कुछ की तरफ से पाइसिस एंड कैंसर की एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे. यस नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड देयर करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस. फर्स्ट वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड. ये पहले भी अनफोल्ड हुआ है. ये पर्सन आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनक्लियर करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों का कन्फेशन करना चाहते हैं जो शायद पास में या तो कन्फेशन हुआ नहीं था, या कुछ चीज़ें जो हैं वो लेफ्ट रह गई थी, या कुछ अनसेट स्टफ था आप दोनों के दरमियान, जो इस टाइम इनको फील हो रहा है कि क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उस चीज़ों के बारे में बात करना, कम्युनिकेशन करना उन चीज़ों के बारे में, डेफिनेटली आगे सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए इन सब चीज़ों के बारे में बैठ के उनको लग रहा है बात करनी पड़ेगी. जब तक बात नहीं की जाएगी तब तक आप दोनों के दरमियान ना तो कोई अच्छा कनेक्शन बन पाएगा और ना ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो क्लियर हो पाएंगी. सो इसीलिए इस इंसान को हर हाल में जो है, ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनको इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए. इसीलिए वो सक्सेस जाने के लिए इस कनेक्शन में उनको लग रहा है कि सबसे पहले हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. जो इस टाइम चीज़ें अनविजिबल उनको दिख रही हैं उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं. ये जो चीज़ें क्लियर नहीं हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके दरमियान अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन बनाई गई हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ था ही नहीं या कुछ है ही नहीं ऐसा. बिकॉज जब बात नहीं हो रही आप दोनों की आपस में आपके पार्टनर के साथ, तो डेफिनेटली वहाँ पे अजम्पशन चल रही है. तो अजम्पशन फिर जो मर्जी आप कर लो, चाहे चीज़ें ना भी हों. वैसे वी हैव फोर ऑफ सॉर्ड. इस टाइम ये जो भी पर्सन है ये पीसफुली सोच रहे हैं कि इन्हें आगे किस तरह से इस कनेक्शन में क्लैरिटी लेकर आनी है, किस तरह से चीज़ों को क्लियर करना है. दैट्स वाई दे आर थिंकिंग अलॉट. मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ओवर थिंकिंग यहाँ पे दिख रही है इस पर्सन की एनर्जी में, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एयर साइन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस. नंबर 4 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे. यस, क्योंकि इनको ना सुकून नहीं मिल रहा मेंटली. ये पर्सन को ना स्ट्रेस है एक, कि जब तक आपके दरमियान कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, कुछ बातें क्लियर नहीं हो जाती, तब तक इनको आई थिंक मेंटली स्ट्रेस ख़त्म नहीं होगा. इनका मेंटली स्ट्रेस चलता रहेगा, इसीलिए ये इन सब चीज़ों को जो इनको बोदर कर रही हैं वो क्लियर करना चाह रहे हैं. वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स. यस, ये काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर स्टक हो चुके हैं. या बट इनको लग रहा है शायद आपकी तरफ से कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसी चीज़ें हैं कि आप या तो इनको अपनी तरफ अलाउ नहीं कर रहे बात करने के लिए, या तो आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है. दे आर फीलिंग लाइक कि आपने अपनी तरफ से हर डोर क्लोज कर दिए हुए हैं, या फिर आपने कुछ स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाई हुई हैं जिसकी वजह से उस बाउंड्री को क्रॉस करना इनके बस में नहीं है. बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन इस इंसान की भी ज़िद बन चुकी है कि जब तक कि उस बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर लेते, या जब तक आपकी तरफ से एक एनर्जी जो इनको दिख रही है टोटली यू नो क्लोज हुई हुई या फिर ब्लॉक हुई हुई, जब तक ये उस चीज़ को अनब्लॉक नहीं कर लेते,
या फिर चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं कर लेते तब तक ये भी आराम से बैठने वाले नहीं हैं। ये कोशिश करते रहेंगे और सोचते रहेंगे ये पर्सन चाहे मेल है या फीमेल है कि इनको किस तरह से आपसे बातचीत करनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंसान कुछ ना कुछ अपनी सफाई में कुछ कहना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से कहना चाह रहे हैं, लेकिन इनको सिचुएशन ऐसी दिख नहीं रही कि वो बोल सकें उन चीज़ों को। या तो आपने ब्लॉक किया हुआ है या फिर किसी तरह से आप अपनी ज़िद में बैठे हुए हो कि मैंने इनसे बात नहीं करनी, या तो आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बट ऑल्सो ये इंसान की एनर्जी भी रिजिड है कि मैंने भी कोशिश करके छोड़नी है, मैंने भी बात करके छोड़नी है जब तक आप मान नहीं जाते। ये मौका चाह रहे हैं आपसे, सफाई का मौका दिया जाए इनको। 44 नंबर इम्पोर्टेंट दिख रहा है, 44 एज भी हो सकती है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ आगे स्टेबिलिटी चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पी हो, आपकी लाइफ काफ़ी कलरफुल है, आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव कर रहे हो और इसीलिए ये चाहते हैं कि आप जैसा इंसान इनको अपनी लाइफ में चाहिए। यस, दे आर फीलिंग कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जब से आप लोगों ने इनके साथ अपना कनेक्शन एंड किया है, या फिर चाहे इन्होंने आपको छोड़ा है या आपने छोड़ा है या किसी भी रीज़न की वजह से इनको लग रहा है आपकी बातचीत नहीं हो रही, तो आप लोग अपनी लाइफ में हैप्पी हो, आप अपनी सक्सेस की तरफ फोकस कर रहे हो, अपने आप को लाइफ में फाइनेंशली आप ग्रो करने पर फोकस हो, ठीक है। जब से आपका इनके साथ ब्रेकअप हुआ है या जब से आपकी बातचीत कम हुई है इनके साथ या कनेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं, तब से आप लोगों ने अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया और आपकी लाइफ से काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं, नेगेटिविटी या फिर आपकी लाइफ में जो आपको मेंटली स्ट्रेस था वो काफ़ी हद तक आपको फील होता है रिलीज़ हुआ है, ठीक है। और ये इस पर्सन को भी फील हो रहा है कि ये जो करते थे आपको ऑब्वियसली उन चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही थी, आप मेंटली स्ट्रेस में थे, लेकिन अभी ये इंसान खुद मेंटली स्ट्रेस में है। टॉरस वीरगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस ऑल्सो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे वी हैव सिक्स ऑफ कप, ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, दैट्स वाई ये आपसे चांस चाहते हैं, ऐसे लग रहा है ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। यस, वी हैव फाइव ऑफ कप्स, काफ़ी गिल्ट हो रहा है इनको आपको छोड़ने का और पास्ट की जो भी आपके साथ इन्होंने लव रिलेशनशिप बनाई थी ये इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, वो सिचुएशन जब आप दोनों के दरमियान यू नो रोमांस था, लव था, एक दूसरे के साथ लव फीलिंग्स जो हैं वो शेयर की जा रही थी, ये उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और वो चीज़ें इनको काफ़ी अपसेट करती हैं, काफ़ी सैड करती हैं। एंड ऑल्सो इनको ये फील होता है कि जैसे इस इंसान ने ऐसा इंसान खो दिया है कि जो इससे बहुत ज़्यादा चाहता था और इन्होंने उसकी कदर नहीं की, काफ़ी लॉस में दिख रहे हैं, काफ़ी सोरो एंड ग्रीफ की एनर्जी है आपके पर्सन की साइड से। एंड ऑल्सो यहाँ पे हैवीली एक गिल्ट की एनर्जी दिख रही है, रिग्रेट की एनर्जी दिख रही है। वी हैव एट ऑफ वांड्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं। एंड वी हैव नाइट ऑफ कप्स, आपकी तरफ रोमांटिक ऑफर लेकर आना चाहते हैं दोबारा से ये पर्सन, ताकि आपका कनेक्शन स्टार्ट हो सके, क्योंकि इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एनर्जी है आज की रीडिंग में कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है जो आपसे करके इनको मेंटली सुकून मिलेगा और अपनी सफाई जब दे लेगा ये पर्सन तो इनका जो दिल है ना वो भी हल्का हो जाएगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपके दरमियान ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, हो सकता है ट्रैवल ज़्यादा हो सकता है, डिफरेंट सिटी का भी हो सकता है और कुछ लोगों के दरमियान डिफरेंट कंट्री का भी हो सकता है, या फिर अगर डिफरेंट सिटी है भी है तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट ये आपसे बात करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू सेंड यू अ मैसेज, बट हो सकता है अगर आपको मैसेज कर रहे हैं तो मे बी या तो आप मैसेज का रिप्लाई कर नहीं रहे हो या फिर आपने ब्लॉक किया हुआ है, ये चाह रहे हैं कि आपको फिजिकली मिल लिया जाए या फिर फिजिकली कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन किया जाए आपके साथ, क्योंकि आप तो बात का आंसर ही नहीं कर रहे या फिर आप ब्लॉक कर चुके हो इनको, दैट्स वाई। एनी हाउ ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, चाहे इन्होंने आपको हर्ट किया है या आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन को यू नो कट ऑफ किया है या ब्रेकअप कर दिया आपके साथ। 888 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ऑब्वियसली 8 हमारे पास मूविंग फॉरवर्ड का नंबर होता है कि ये इंसान आगे बढ़ने की इन्होंने कोशिश की आपके बिना, लेकिन अपनी लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पा रहे ना ही बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं और एक रोमांस के साथ। ये इंसान अपने दिल को फॉलो करना चाहता है, चाहे इन्होंने पास में अपने दिमाग की सुनी है, इस टाइम ये इंसान अपने दिल की सुनना चाहते हैं और दिल को सुनते हुए ही आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं रोमांटिक। एरिस लियो सैजिटेरियस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, वाटर साइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। नाउ लेट्स सी, यहाँ से कुछ एनर्जीज देखूंगी एंड देन आई विल सी द नेक्स्ट मूव। ओके, वी हैव इमोशंस, लुक डीप विद इन योर इमोशंस, इस पर्सन के इमोशंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डीप हैं, दैट्स वाई दे कॉन्ट कंट्रोल देम सेल्व। यस, वी हैव बॉन्ड,
आई लव बॉन्ड ग्रोस स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम. ये पर्सन फील कर रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इनको आपके साथ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग महसूस होती जा रही है. ये जब पास्ट का सोचते हैं ना उतना ज़्यादा ये इंसान आपके साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होते हैं. वी हैव रिजॉइस, इम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन एंड रिजॉइस. ये इंसान आपके साथ दोबारा से कनेक्शन बनाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को आपके साथ एक लविंग वे में स्पेंड करना चाह रहे हैं. दे रियली वांट टू एंजॉय देयर लाइफ विद यू, स्पेशली लव लाइफ. वी हैव इंटेंस, द इंटेंसिटी ऑफ अ ट्रू सोल कनेक्शन इंक्लूड्स ग्रेट हाइस एंड ग्रेट लोस. यस, इंसान की जो है ना ट्रू सेल्फ या ट्रू सोल जो है आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है और इंटेंस इतनी जा रही है यहाँ पे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कभी तो बहुत ज़्यादा लो फील करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं आप लोगों को लेकर इमोशनली. ओके, वी हैव सोल, योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग टू रिकोनेक्ट ट्रस्ट इन द प्रोसेस. ये पर्सन फील कर रहे हैं कि इनकी जो सोल है या इनकी लाइफ में इस टाइम जो कुछ भी चल रहा है इस पर्सन को प्रिपेयर किया जा रहा है आप लोगों के साथ दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए. इसीलिए ये ट्रस्ट कर रहे हैं प्रोसेस पे कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई यूनिवर्स का प्लान है, कोई यूनिवर्स का पर्पस है. सो दैट्स वाई, लेकिन इनको कनेक्शन आपके साथ बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है. नाउ लेट्स सी, बिकॉज इनको फील हो रहा है यहाँ पे कि आपका ना सोलमेट कनेक्शन, और वैसे भी यहाँ पे एनर्जी मुझे सोलमेट की ही दिख रही है. नाउ लेट्स सी क्या होगा नेक्स्ट मूव. पर्सन ऑन योर माइंड, नेक्स्ट मूव फीवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनका नेक्स्ट मूव. ओके, वी हैव स्ट्रेंथ. यहाँ पे स्ट्रेंथ टू टाइम्स आया, नीचे भी हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड था. अगेन एट की एनर्जी है, इट्स अ लियो. वी हैव द मून. आने वाले टाइम में इस पर्सन के जो इमोशंस हैं गाइस वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं एंड दे विल मेक अ मूव, क्योंकि ये अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करने वाले. आने वाले टाइम में ये इंसान अपने इमोशंस से जितना ही क्यों ना भाग ले विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड, कितना ही उनको इग्नोर करके अपने आप को, ऐसा लग रहा है ये इंसान अपने एक तो इमोशंस से खुद से भी भाग रहे हैं और बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश भी की है कि जो आपके लिए फील हो रहा है, लेकिन स्टिल आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे सोलमेट एनर्जी है, एक सोल से आपका कनेक्शन है कि ये इंसान भागना जा भी रहा है ना तो भागा नहीं जा रहा. उतना ही स्ट्रॉन्गली आपसे कनेक्टेड होते हैं जितना ज़्यादा ये भागने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशन से अपनी फीलिंग से खुद ही घोस्ट करने की ये पर्सन कोशिश करता है. तो वो स्टिल मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाले हैं एंड फिर ये इंसान जो है वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे क्योंकि इनके इमोशंस जो है ना कंट्रोल नहीं हो पा रहे. यस, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इस पर्सन के इमोशंस जो हैं वो आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत सेंटीमेंट्स दिख रहे हैं इस पर्सन के आप लोगों से रिगार्डिंग. लेकिन ऑल्सो इनको कन्फ्यूजन भी है कि क्या आप लोग अब इन पे ट्रस्ट कर पाओगे, बिकॉज हो सकता है यहाँ तो इन्होंने अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने से भागे हैं, गोस्ट किया, एक्सप्रेशन अपने शो नहीं किए या फिर किस तरह से फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की. लेकिन अब आने वाले टाइम में ये इंसान कंफ्यूज इसीलिए हैं कि इनको लग रहा है कि शायद हो सकता है या तो आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे या फिर अगर आपकी तरफ ये आते भी हैं तो क्या आप लोग इनके साथ दोबारा कनेक्शन बनाओगे. ये एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन ये इंसान आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स एक्शन की एनर्जी है. ये आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे क्योंकि काफ़ी हद तक इनको इनसिक्योरिटीज़ भी हैं कि शायद आप लोग इनको गलत समझोगे या फिर आप इन पे इनको समझोगे ये इंसान झूठ है, अभी दोबारा झूठ बोल रहे हैं आपके साथ. लेकिन ये एक्शन दिख रहा है इस पर्सन की साइड से और काफ़ी एक्साइटेड होकर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और पैशनेट वे में. यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू. मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. आई विल सी यू टुमारो. बाय.